Okay. For today we have Graham's law of diffusion. Diffusion of gases and effusion of gases. Diffusion is actually, what is diffusion? Diffusion is actually the mixing of gases. Mixing of gases. Can you write it first? Graham's law of diffusion. This law is mainly about the mixing of gases. Okay? Whenever we have different gases and they come in contact with each other, then there is spontaneous mixing of all components of gases. क्या होता है कि एक गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद से. ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. और चूंकि उनकी मोशन क्या होती है, रैंडम, तो वो मिक्सिंग रैंडम भी हो सकती है, तो कुछ ज्यादा कुछ कम, तो वो ओवरऑल मिक्सिंग है. तो ग्राम लॉ ने बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया, मिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस व्हेन दे कम इन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. तो इस इन केसेस पे उसने एक लॉ बनाया जिसको हम कहते हैं ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन. उसने उसने क्या कहा, ही सेड, रादर सेड वे विल से स्टेटेड, उसने क्या कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मीन के मिक्सिंग का जो रेट है इसका, गैस मॉलिक्यूल्स का, इज, उसको अगर हम आर से लिखें, रेट ऑफ मिक्सिंग को हम किस से लिखें, आर से, कहते हैं कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस. ठीक है, एम इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस व्हिच इज गोइंग टू मिक्स विद अनदर गैस. अब यहां पे मिक्सिंग कौन सी है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, दैट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होती है, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की, ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा अच्छा वर्ड है मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ गैसेस. तो आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस. अब सपोज के आपके पास टू गैसेस हैं, ठीक है, एक मैं कह देता हूं गैस वन और दूसरी जो होती है गैस टू, तो फर्स्ट का रेट क्या होगा, आर वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस एम वन. ओके, फॉर गैस टू आर टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस. अगर हम उनकी रेशियो दें कि भाई एक दूसरे के साथ कैसे मिक्स होंगे, दो गैस को मिक्स कर दिए, तो क्या होगा, आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इज इक्वल टू एम टू ओवर एम वन. ठीक है, ये अंडर रूट भी लेना, दोनों का अंडर रूट है तो वो आप यू लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहां से भी देखिए कि इनवर्स रिलेशन है, आर वन ऊपर है और एम वन नीचे है, इट इंडिकेट्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशन. और आर टू और एम टू में क्या है, इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, तो इन चीजों से क्या हम फाइंड कर सकते हैं, हम रेट, अगर हमें दो जो टू सिस्टम है गैसेस सिस्टम के, अगर उनमें से हर गैस का मॉलिक्यूलर मास पता हो और किसी एक का रेट पता हो, तो वी able to find the rate of other gas. कौन सा rate? Rate of diffusion, mixing. अगर हमें rates पता हूँ तो हम molecular mass भी find कर सकते हैं. ठीक है, इसकी एक example देते हैं कि हम कहते हैं कि एक gas है जिसका rate oxygen के rate से half है. ठीक है,
इफ ए गैस डिफ्यूज एट अ रेट ऑफ हाफ ऑफ द रेट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन ये है कि अगर एक गैस वो डिफ्यूज कर रही है किसी दूसरी गैस में और उस गैस का जो रेट है जो पहली गैस है वो ऑक्सीजन के रेट से हाफ है, मीन एक गैस वो ए है जो भी गैस है और दूसरी गैस ऑक्सीजन है, दोनों भाग रही हैं मिक्स हो रही हैं डिफ्यूज हो रही हैं, जो गैस वन है उसका रेट जो है ऑक्सीजन के रेट से हाफ है, तो बताएं गैस वन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो इसमें आप क्या करना है, आप गैस वन लेंगे उसको गैस वन उसका आपके पास क्या है रेट गिवन है, रेट कितना है उसका हाफ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन का रेट कितना है वन कर लें, अगर ये वन है तो उसका हाफ क्या होगा, पॉइंट समझ आया, ठीक है ना, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं आप। अगर ऑक्सीजन का रेट वन है तो गैस वन का रेट क्या होगा उसका हाफ। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32 कर लें है, यही होता है ना, आपने क्या कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस वन फाइंड करना है, तो कर सकते हैं आप। अब यही स्टेटमेंट वहां पे लिखी हुई होनी है, वो कैसे लिखी होगी, सपोज ये एमसीक्यू आता है अगर आपको, इफ अ गैस डिफ्यूजेस एट द रेट हाफ ऑफ द रेट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, ये भी क्वेश्चन जो आपको लिखता है इंग्लिश में इसको यूं लिखते हैं। अब क्या क्या करेंगे आप, आर वन क्या है हमारे पास 0.5, आर टू क्या है 1, ठीक है एम टू क्या होगा फोर एम वन, ठीक है अब अंडर रूट को खत्म करने के लिए आप स्क्वायर लेते हैं, ठीक है इधर भी टू कर लें इधर भी टू कर लें, ठीक है ये क्या हो जाएगा 0.5 लेकिन लगभग 1 हो जाएगा 1 और यहां पे 32 डिवाइडेड बाय एम वन आ जाएगा। आपने क्या फाइंड करना है, अब इसका ये कलर मैच ग्राम में होता है, ग्राम में होगा ये भी ग्राम ये भी ग्राम से जब कट वट के आएगा रेट तो रेट ही रहते हैं, ठीक है रेट नंबर 128 ग्राम का, ठीक है तब इसका आपको अब आपको पता लग गया कि ये गैस कौन सी है, तो इसकी मीनिंग ये निकले कि अगर किसी गैस का मैस ग्रेटर है उसका रेट कम होगा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब देखिए आपके पास ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन का 32 मास था, उसका अगर रेट 1 है तो जो 128 ग्राम वाले ऑक्सीजन मास थी गैस थी उसका रेट उससे हाफ है, तो इससे क्या मीनिंग निकले कि जो बंदा वजनी होगा गैसेस जो गैस कारी होगी वो आहिस्ता से डिफ्यूज करेगी, ठीक है और जो जिस गैस का मास कम होगा, मसलन अब अगर एक आपके पास हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है इन दोनों में से कौन सी तेज से डिफ्यूज होगी, हाइड्रोजन, क्यों मास कम है, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, आप जो भी एग्जाम देते हैं ये टेस्ट वगैरह एंटी टेस्ट इवन तो वहाँ पे भी ये आते हैं, मैसेज लिखी होती है पता है कौन से किस गैस का रेट ज़्यादा होगा वो फिर आपको वहाँ पे बताना होगा। जी हाँ अभी मैं उधर आ रहा हूँ फ्यूजन की तरफ,
यहां पर मैं शेडी के साइड क्या हुआ यहां पर कांस्टेंट क्यों नहीं यूज किया हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन बदल दिया अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को के डायरेक्ट हमने ना वो रिलेशन लिख लिया अगर आप प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं ना तो वो दोनों के ऊपर नीचे आ जाएगा का फिर अच्छा फ्यूजन क्या होती है डिफ्यूजन में आपके पास सिंपल मिक्सिंग है और फ्यूजन में क्या होता है कि गैस जो है वो भागती है थ्रू पिन होल अ गैस इन केस ऑफ फ्यूजन अ गैस एस्केप थ्रू अ पिन होल बस यही बात है उसमें अब इन दोनों में अगर आपके पास ये स्लिप लगी हुई है इधर भी गैस है इधर भी है ठीक है अगर तो ये बिल्कुल फ्री है कॉन्सेंट्रेशन हायर टू लोअर हो कोई पता नहीं चलेगा रैंडम स्पॉन्टेनियस ये डिफ्यूजन है अगर ये कुछ यूं हो अब जब गैस आएगी तो वो और तो रास्ता ही नहीं है सिर्फ इस पॉइंट से मॉलिक्यूलर लेवल पे एक थोड़ा बहुत अंदर आ जाएगा तो दिस इज अ फ्यूजन ठीक है डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपके पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग रैंडम मोशन में आ जाती है यहाँ पे भी है मगर थ्रू पिन होल वेरी स्मॉल मगर रेट कॉन्सेप्ट हुई है रेट ऑफ फ्यूजन भी हुई है रेट ऑफ फ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस ठीक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस इसके बाद आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बड़ा तेजी से बोल रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये साइंटिस्ट थे जो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन इन्होंने ये थ्योरी दी थी दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उन्होंने ये कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें परपेचुअल मोशन होती है कौन सी परपेचुअल ये कौन सी मोशन होती है कोई चीज जब कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में रहती है हमेशा कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन मीन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन मीन ऑलवेज इन मोशन ठीक है ऑलवेज इन मोशन मीन देयर इज नो स्टॉप वो चीज चलती रहती है आइडियली इन्होंने ये कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है वो क्या होते हैं जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उनकी परपेचुअल मोशन होती है मीन कि वो हर वक्त मूव करते रहते हैं तो जब मोशन की बात आई इट मींस वी हैव टू डील विद सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन देयर इज अ मोशन इट मींस वी हैव टू डील विद काइनेटिक एनर्जी सो इट्स नेम ड्राइव फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मॉलिक्यूलर मीन The particles of gases, that can be particle, that can be molecule, overall we will call it particle. ठीक है? तो kinetic molecular theory में क्या है? अच्छा perpetual motion तो बड़ी एक ideal सी motion होगी ना कि जो चीज़ हर वक्त motion में ही रहे। ऐसा ही है ना? जो चीज़ हर वक्त motion में रहे। ऐसी कोई daily life से example है? चलिए आज आपको बताता हूँ।
इस वक्त जो एग्जिस्टेंस परपेचुअल मोशन जो बहुत हद तक इसमें बहुत कम स्टॉपेज है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम तक वो हरकत में रहता है, जब एक दफ़ा उसको छेड़ दें वो है ग्रेविटी क्लॉक। ये कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है, न्यूजीलैंड में वहाँ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटैगो आई थिंक, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ओटैगो न्यूजीलैंड में ये है, जो आपको एक एग्जांपल जो है ना परपेचुअल मोशन, जहाँ पर वार्म अप मोशन में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसने कुछ पास्टुलेट्स दिए बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने, कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करते हुए, वो आप अंडरस्टैंड करते हैं। पहला पॉइंट उसने दिया जो सबसे सिक्स पॉइंट्स दिए, बेसिकली सिक्स अजम्पशंस दिए, पास्टुलेट्स दिए। पहला क्या था कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट मीन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। वो कहता है कि जो गैसेज होती हैं उनके पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, और उन पार्टिकल्स को फिर वो मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं, पार्टिकल है ना, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा था कि जो इनका वॉल्यूम होता है ना, मसलन अगर ये कंटेनर में आप ले लेते हैं, मसलन इस गैस, ये रूम है, इसमें कोई गैस है, अब वो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, वो तो जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तब पता चलेगा ना, वैसे तो वो पूरे रूम में फैली हुई है। अब गैस को जब आप कंप्रेस करते हैं तो वो तो बहुत थोड़ी सी होगी, तो विद रिस्पेक्ट टू रूम उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, निगलिजिबल, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल जो है वो निगलिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, आइडियल केस में, इस केस में आइडियल केस में। दूसरा पॉइंट क्या था इनका कि रैंडम मोशन होती है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन और वो ऑलवेज मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, आइडियल केस में, साथ साथ बताता जा रहा हूं आइडियल केस में। थर्ड पॉइंट, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ये बात भी हम कर चुके हैं, इनका डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस होता है, क्या होता है, जब लार्जर डिस्टेंस है एक दूसरे से तो क्या होगा, देन देयर विल बी नो एनी सॉर्ट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरेक्शन अमंग दैट पार्टिकल्स, ठीक है, जब बहुत ज्यादा दूर है एक दूसरे से तो उनमें पार्टिकल्स में फिर क्या होगी, इंटरेक्शन नहीं होगी। फोर्थ वन, इलास्टिक मोशन रखते हैं, इलास्टिक प्लेयर होते हैं, कौन से, इलास्टिक प्लेयर कौन से होते हैं, वो प्लेयर्स जिनमें एनर्जी लॉस ना हो, एक होता है इन इलास्टिक प्लेयर, एक होता है इलास्टिक प्लेयर, आप बाग के आते हैं इधर से उस बाग के साथ टकराते हैं, दिस इज एन इन इलास्टिक प्लेयर, मीन कि आपकी एनर्जी लूज होगी। इलास्टिक प्लेयर्स कौन से होते हैं कि वो कहते हैं कि गैस के पार्टिकल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो जितनी एनर्जी उनके पास टकराने से पहले थी दे हैव द सेम एनर्जी ऑफ द प्लेयर, ठीक है, कोई एनर्जी गेन या लूज नहीं हुआ, इन व्हाट, इन आइडियल केस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, प्रेशर, वो क्या होता है, प्रेशर जो गैस का प्रेशर बिल्ड होता है, एक सिलेंडर है उसमें जो प्रेशर होता है गैस का वो किस वजह से होता है, हिट करता है वो कहां पे, वॉल्स ऑफ कंटेनर, मीन द प्रेशर इज एक्चुअली ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स व्हेन
they hit the wall of container. Sixth point. वो क्या है? वो कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है ना 1/2 mv2, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. वो किसमें होता है? ठीक है, वो कहता है कि जब आइडियल सिस्टम होता है तो गैस का जो टेम्परेचर होता है ना वही बेसिकली उनकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, इन आइडियल केस ये हमें साथ साथ रखना है. ठीक है, मुतीब मुतीब नाम है आपका? हानी हानी. अच्छा, तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि उनके पॉसिबिलिटी से अजम्पशन है फॉर आइडियल सिस्टम. फॉर आइडियल सिस्टम तो कौन कौन से हैं? रिपीट कीजिए, एक आप बताएं. डिलीवरी डिस्क्रीट पार्टिकल, पार्टिकल मीन कि उनका वेरी स्मॉल साइज होता है. ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल स्मॉल साइज और उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के लिहाज से क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है. सेकंड पॉइंट, रैंडम मोशन में रहते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इलास्टिक कोलिजन. कंटेनर. ठीक है, अब ये सारी बातें हैं आइडियल सिस्टम में. अब आप दोनों से अब बट वी आर इन रियल वर्ल्ड, वी आर नॉट इन एन आइडियल वर्ल्ड. तो सब टाइम आपको जो वर्ल्ड लिखा होता है ना, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड, ये है आपका वर्ड है जी आइडियल. आइडियल इसको हम क्या कहते हैं? ये रियल होता है? फेक है. आइडियल भी नॉन रियल, रियल नहीं है आइडियल. इधर नॉन आइडियल इसको क्या कहते हैं? इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने कहीं पे. मैं अब मैं आपको घुमाऊं फिराऊंगा, कभी क्वेश्चन में रियल दे दूंगा, कभी नॉन रियल दे दूंगा, कभी आइडियल दे दूंगा, कभी नॉन आइडियल दे दूंगा. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है बेटा, अब आइडियल सिस्टम में गैसेस क्या होनी चाहिए? एक दूसरे से बहुत दूर, उनमें इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा ही है, उनमें रैंडम मोशन है, ऑलवेज मोशन में रहते हैं, वो परपेचुअल मोशन को फॉलो करते हैं. और क्या है, उनका एक्चुअल वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के लिहाज से नेग्लिजिबल होता है. बट इन केस ऑफ योर वर्ल्ड, रियल सिस्टम में ऐसा मुमकिन नहीं है. रियल सिस्टम में ऐसा मुमकिन नहीं है. आप हंस रही हैं, कोई बात हमसे शेयर कीजिए, अगर अभी टाइम नहीं है बात पूछेंगे आप. अच्छा, तो रियल वर्ल्ड आपके पास क्या है? ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है. मीन कि आप एयर आपके पास है सराउंडिंग में, ठीक है, या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो इनके पार्टिकल्स रियलिटी में एक दूसरे से इतने दूर नहीं होते, सो दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शंस. और इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के लिहाज से नेग्लिजिबल नहीं होगा, और इनके कोलिजन जो है वो इलास्टिक नहीं होगा. बाकी दोनों बातें ठीक हो सकती हैं किसी हद तक. कैसे? कि प्रेशर तो इनका भी वही होगा जो गैस मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है, टेम्परेचर भी हम किसी हद तक क्लियर कर सकते हैं, मीन टेम्परेचर लेके कुछ कर करा के वो मिल जाता है. मगर ये बाकी जो फोर्थ पॉइंट्स हैं, ये रैंडम मोशन भी हो सकती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन भी हो सकती है. मगर ये तीनों बाकी पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. कौन कौन से? फार अवे नहीं हो सकते,
अगर फार अवे नहीं है देन देयर इज एन इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन है तो एक्चुअल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के लिहाज से हम नेगलिजिबल नहीं कह सकते, ठीक है। जब वॉल्यूम की बात आई तो प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर भैया तो ऐसे ही करेंगे मगर प्रेशर पे भी इफेक्ट आता है एक बात। दूसरी जब इंटरेक्शन होगी तो फिर भी प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जब इंटरेक्शन हो जाए तो फिर भी मसलन इसकी बड़ी सादा सी एग्जाम्पल है, अब पेरेंट्स जो होते हैं उनके अब बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है जिस वजह से उनके प्रेशर भी होते हैं बच्चों के लिहाज से आप देख लें कि उसका कोई अपना भतीजा है उसका प्रेशर इतना नहीं होगा उसका, क्यों क्योंकि उसके साथ इंटरेक्शन ही कम है। ये बात तो है ना, अब यही आपका फ्रेंड सर्कल होता है, आपके कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं अगर वो नाराज हो जाए तो आपका प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अब जो आपके दोस्त ही नहीं है वो नाराज होता है आपको क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट दोस्त ही नहीं है जाए तो यही चीज है, जब इंटरेक्शन होगा तो प्रेशर पर भी इफेक्ट आएगा, एक्चुअल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के लिहाज से आप एलिजिबल बिकॉज एट दैट टाइम पार्टिकल्स हैव सम एग्जिस्टेंस, दे विल शो सम एग्जिस्टेंस। आप अपनी एग्जिस्टेंस कैसे शो करते हैं, प्रेजेंस, तो प्रेजेंस मीन यू हैव सम वॉल्यूम, यू आर गोइंग टू ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। तो ये आइडियल रियल सिस्टम की बातें हैं। अब इसी तरह इट मीन्स कि ये जो फर्क तीन पॉइंट है वन टू इलास्टिक प्रेजेंस भी नहीं होते ये मेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, फिर प्रेशर के लिहाज से आप ये वॉल्यूम वाली बात क्यों है ये प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो अब जो आपने इक्वेशन ड्राइव की थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्या ये आइडियल सिस्टम पे अप्लाई होगी, आइडियल के लिए तो बनाई थी भूल गया ना, क्या ये रियल सिस्टम पे अप्लाई होगी, नहीं रियल पे कौन होगी, रियल तो आपका कहा आइडियल है, तो ये रियल सिस्टम पे हमने अप्लाई होगी नहीं होगी। तो उस पर जब रियल सिस्टम पे आपने अप्लाई करना है तो फिर हमने क्या करना है, देन वी नीड टू मॉडिफाई दैट इक्वेशन टू अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन टू द रियल सिस्टम, वी हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशंस इन जनरल गैस इक्वेशन, उसको कैप्टन बनाना है जनरल लेयर, ठीक है, उसको क्या बनाना है जनरल गैस इक्वेशन टू कैप्टन गैस इक्वेशन, तो उसको आपने मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो वो मॉडिफिकेशन जो हुई वो फिर क्या कहलाई, वान डर वाल इक्वेशन, याद आई तो इतने आराम से क्यों कह रही हो, जरा जोर से बोलो, वेरी गुड। तो रियल सिस्टम बेसिकली वो है गैसियस सिस्टम है, रियल सिस्टम रियल गैस इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, वाटरफॉल वाली है जो जिसमें आप बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम को ट्रैक करते हैं, यही किया था ना, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, आपने यहां किस पे प्ले करना है, प्रेशर और वॉल्यूम में यू नीड सम डायरेक्शंस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द रियल सिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर भी आप नंबर ऑफ मोल्स भी आप कर सकते हैं, आर तो है ही कॉन्स्टेंट मगर प्रेशर और वॉल्यूम पे आपको प्रॉब्लम है, इसमें हमने करेक्शन करनी है, ठीक है। तो क्यों करेक्शन करनी है आपने इसमें, यस टू मेक इट फिट फॉर रियल सिस्टम, टू फिट फॉर आइडियल सिस्टम, हाँ टू फिट फॉर नॉन आइडियल सिस्टम, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको कैसे फिट करना है।
ठीक है, तो कैसे हम इसको अब जनरल गैस क्वेश्चन को हमने कैसे रियल सिस्टम में अप्लाई करना है, ठीक है।